इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ओलमटा में चालीस टेबलेट दो दवाओं दवाओंस्टिन और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड से मिलकर बना है यह आमतौर पर तब प्रयोग किया जाता है जब अकेले एक दवा आपके रक्तचाप को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर रही हो ओन्जार्टन आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम और चौड़ा करके काम करता है ताकि आपका रक्त अधिक आसानी से प्रवाहित हो सके इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड एक मूत्रवर्धक यानी कि पानी की गोली के रूप में जाना जाता है जो मूत्र उत्पादन को बढ़ाता है जिससे रक्तचाप कम होता है यदि आपका रक्तचाप नियंत्रित है तो आपको दिल का दौरा स्ट्रोक या गुर्दे की समस्या होने का खतरा कम है प्रभावी होने के लिए दवा को नियमित रूप से लिया जाना चाहिए आप आमतौर पर इस दवा को लेने से कोई प्रत्यक्ष लाभ महसूस नहीं करते हैं लेकिन यह आपको स्वस्थ रखने के लिए लंबे समय तक काम करता है इस दवा को अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें इसे पूरा निगल लें इसे चबाएं कुचलें या तोड़ें नहीं ओल्मटाई में चालीस टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए ओल्माई में चालीस टेबलेट दो दवाओं हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड और ओलमेस्टिन से मिलकर बना है जो रक्तचाप को प्रभावी ढंग से कम करता है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड एक मूत्रवर्धक है जो शरीर से अतिरिक्त पानी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को निकालता है समय के साथ यह रक्त वाहिकाओं को भी आराम देता है और रक्त प्रवाह में सुधार करता है ओल्मेसोटन एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कि एआरबी है यह हॉर्मोन एंजियोटेंसिन को अवरुद्ध करके काम करता है जिससे रक्त वाहिकाओं को आराम मिलता है यह रक्त को अधिक सुचारू रूप से प्रवाहित करने और हृदय को अधिक कुशलता से पंप करने की अनुमति देता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद